नमस्ते दोस्तों। तो जियो की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ रही है अभी कि जियो कब तक अब लॉन्च होने वाला है। जो डेट निकल के आ रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और जो पिछली 28 अक्टूबर की डेट थी उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि भाई उसमें मुकेश अंबानी ने उस बैठक में कुछ नहीं कहा है कि अब भाई कब तक ये लॉन्च करने वाला है और कम से कम कीमत क्या होगी। 1999 रुपये में भी आपको ये मिल सकता है बिल्कुल कम्प्लीट तरीके से, अगर आप इसके प्रोमो कोड को यूज करते हैं। इसके डिस्काउंट कोड और प्रोमो कोड को यूज कैसे करना है, कहाँ से लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जब ये लॉन्च होगा तब, ठीक है। अगर आप वैसे भी जानना चाहें तो आप डायरेक्टली भी जान सकते हैं गूगल पे सर्च करके, और जिस ऐप मतलब जियो की ऑफिशियली वेबसाइट से भी जान सकते हैं मतलब इसका डिस्काउंट कोड क्या है और कितना निकल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा पहले ये समझ लीजिए कि भाई जियो को लेने से पहले आप जियो के फीचर्स को तो जानना चाहिए मतलब, और कम से कम रुपए में लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी जो लॉन्च होगा उसके प्रोमो कोड वगैरह वगैरह सब कुछ आपको दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे, तो ठीक है। और अगर आप सोचें कि इसकी न्यूज़ सबसे पहले हम लोगों को कैसे मिल जाती है, तो भाई हम लोग दुकान वाले आदमी हैं मतलब मोबाइल शॉप ही चलाते हैं, तो मतलब हम लोगों को नहीं मिलेगी तो किसके मिलेगी, न्यूज़ का ही काम है। और YouTube चैनल चलाते हैं तो भाई न्यूज़ को तो पहले पकड़ना ही पड़ता है, ठीक है। जैसी कोई अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा, और मैं आपको बता दूँ कम्प्लीट तरीके से ये भी कि करना क्या होता है कि इससे अपडेट के बाद जैसे ही प्रोमो कोड आप डालेंगे प्रोमो कोड का भी ऑप्शन मिलता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप किसी भी चीज़ को परचेज़ करिए वो अमेजोन से फ्लिपकार्ट से, सब पे डिस्काउंट कटता है भाई, डिस्काउंट हर चीज़ का मिलेगा आपको। आप कौन सा फ़ोन चला रहे हैं अभी कमेंट करके बता दीजिए, और कौन सा लेना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, उसमें भी मैं कुछ आपके 10-5% का मुनाफा करवा सकता हूँ, 10-5% आपको लेस करवा सकता हूँ बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस चीज़ों में। तो पहले आप ये भी समझिए, तो चलिए इनके फीचर्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि मतलब 5G स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं और ये कितना लोड ले सकता है, कितनी बैटरी बैकअप के साथ हमको मिलने वाला है और क्या क्या इसके एडवांस फीचर मिलने वाले हैं। तो समझिए, पहले तो लुक की अगर बात करें तो एक से एक बिंदास लुक अब देने वाला है जियो। लुक की वजह से और भी थोड़े फीचर्स की वजह से ये लेट हो रहा है हमेशा, ये थोड़ा लुक बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं कंपनी के जो भी हैं इंजीनियर हैं मैनेजर हैं जो भी हैं, ठीक है। तो लुक तो बहुत ही शानदार मिलने वाला है, और की बात करें फीचर्स की तो लुक के बाद बात आती है अब कैमरे की। मतलब उसका तो लुक अच्छा है, वो हमारा लुक अच्छा लेगा या नहीं लेगा ये भी तो जानना जरूरी है। अगर कैमरे की बात करें तो वो मेन कैमरा बैक कैमरा जो है वो आपको 48 मेगापिक्सल से 18 मेगापिक्सल तक मिल सकता है, इसका अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन जो दो कैमरे और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो उसमें एक 5 मेगापिक्सल का होगा, एक 2 मेगापिक्सल का होगा, ठीक है, क्योंकि पीछे 3 कैमरा देने की तैयारी है और 2 कैमरा भी मिलेंगे भाई। उसके बाद में आपको फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि नॉर्मल फोटो के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जिस अब फ़ोन से अभी वीडियो को शूट कर रहा हूँ इसका भी 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है सेल्फी कैमरा। और बैक कैमरे की बात करें तो क्लियरिटी और क्वालिटी के हिसाब से वो भी ठीक है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले बहुत शानदार मिलने वाली है, क्योंकि ज़्यादा पैसा डिस्प्ले पे ही खर्च करने वाली है जियो की कंपनी, क्योंकि जो चीज़ सुंदर दिखती है तभी काम होता है, और लोग डिस्प्ले दो चीज़ों पर हमेशा से पैसा लगाया जाता है। इसके बाद बात आती है प्रोसेसर की। अगर प्रोसेसर की बात करें तो जियो ने सोच रखा है कि भाई स्नैपड्रैगन पहले से ही देना है, कि जो कि हर अपडेट में स्नैपड्रैगन की बात आती थी, और वो भी 400 की सीरीज में लगभग 465 का स्नैपड्रैगन बनने वाला है। तो अब बात करते हैं अगर 465 का स्नैपड्रैगन बनेगा तो गेम परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा, मतलब आप खेल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, फ़ोन थोड़ा सा हीट भी होगा। और अगर रैम और रोम की बात करें तो 4/64 में भी मिलेगा, 8/128 में भी मिलेगा, इनके दोनों के प्राइस अलग अलग रखे जाएंगे। और नॉर्मल प्राइस की अगर बात करें तो ये 9,500 से 10,000 के बीच में होना चाहिए, और फिलहाल में इस फ़ोन की कीमत और घटने वाली है, 8 से 10 हज़ार के बीच में होना चाहिए। अगर आप प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो 4,500-5,000 में भी इसको परचेज कर सकते हैं, और जैसे ही जो पहला फ़ोन लॉन्च होगा उसके 2 महीने के बाद लगभग उस फ़ोन की कीमत 2,000 कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा अपडेट आएगा, दूसरा फ़ोन लॉन्च कर दिया जाएगा, उसी का दूसरा वर्जन आएगा, ठीक है। और जियो फ़ोन के साथ 1 साल के लिए सिम भी फ्री देने का अभी प्लान चल रहा है, क्लियरली नहीं बताया गया है जियो टीम की तरफ से कुछ भी, ठीक है। तो अब वही बात है कि नॉलेज हम लोगों को तो रखना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, कैसा चलने वाला है। तो जैसे ही जियो फ़ोन आता है मार्केट में आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दें यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है कि वीडियो को ढूंढने में, मतलब क्या अपडेट आ रही है सबको पकड़ने में, ठीक है। तो जैसे ही कुछ आएगा आपको बता दिया जाएगा, और ये चीज़
मत भूलना कि प्रोमो कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कोई सी भी चीज आपको शॉप कर रहे हैं तो प्रोमो कोड यूज करके कुछ परसेंट पैसा बचा सकते हैं। अगर कुछ बचता है तो अच्छी बात है, नहीं बचता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जब बच रहा है तो उसको बचाना चाहिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।